brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. क्या सोच के डाला है? कैसा सरकार अच्छी है और क्या विकास? हाँ ये अच्छा, देखिए मुस्लिम महिलाओं की एक अच्छी बात है कि वो काम घर का सब करेंगी, लेकिन जब वोट की बात कुछ बताना होगा तो पति की तरफ जरूर देखेंगी। वोट डालें जी? तो कितने बार वोट डाल चुकी है? अरे भैया बता तो रहे, 55-60 साल की उम्र हो रही, तो जब से वोट डालने का अधिकार मिला जब से डाल रहे हैं। बराबर वोट जरूर डाल, वोट के काम काज है ना, बहू है करने के लिए, अभी वो भी आएगी डालने के लिए, जब हम जाएंगे तो उसको। क्या सोच के डाला? बस क्या सोच के डाला भैया, बस सुकून शांति रहे देश में, और किस बात का वोट है ना। कानपुर में पोलिंग शुरू हो चुकी है, मतदान शुरू हो चुका है, यहाँ लोकसभा चुनाव का मतदान किया जा रहा है। हम इस समय एक आदर्श पोलिंग स्टेशन GIC में हैं। यहाँ पे मतदान करने के लिए लोग सुबह से ही लाइन लगा के खड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा उत्साह खवातीन महिलाओं में देखा जा रहा है, घर के काम का निष्ठा करके वो वोट डालने के प्रति जरूर जागरूक है। आप देखिए जो लोग घरों में सोए पड़े हैं अभी तक वोट डालने नहीं निकले हैं, उनको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, अपना वोट जरूर डालना चाहिए। देखिए कोई महिला बच्चे लेके आ रही है, कोई बुजुर्ग है, चच्ची है, वो काफी समय से वोट डाल चुकी है, उनका कहना है, लेकिन वोट डालने जरूर आएंगे। कई महिलाएं हैं जो चल नहीं पाती ढंग से, लेकिन वोट डालने के लिए आ रही, ये उनका अधिकार है, होना भी चाहिए। जब आप अपना अधिकार व्यक्त करेंगे तभी आप प्रत्याशी को अच्छे जिता पाएंगे, अपना विकास कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? हुस्ना बेगम। बेगम वोट डालें जी? अब तक कितने बार वोट डाल चुकी है? अरे भैया बता तो रहे, 55-60 साल की उम्र हो रही, तो जब से वोट डालने का अधिकार मिला जब से डाल रहे हैं। बराबर वोट जरूर डालते वोट के काम का है ना, बहू है करने के लिए, अभी वो भी आएगी डालने के लिए, जब हम जाएंगे तो उसको। क्या सोच के डाला? बस क्या सोच के डाला भैया, बस सुकून शांति रहे देश में, और किस बात का वोट है ना। एक और सच्ची है, कितनी उम्र है? 55-60 की है। बराबर वोट डालती है? और क्या, बराबर डालते हैं, वोट डालना अधिकार। क्या सोच के डाला भैया? यही सब लोग अच्छे रहे, शांति रहे, कोई बात ना हो। एक देखिए परिवार के लोग भी आए हैं महिलाओं के साथ, वो बेचारे उनको बाइक पे लेके आए हैं। रुकिए आपसे अभी एक और पूछ लें, एक महिला बच्चे लेके आई है, ये आपका बच्चा है जी? क्या नाम है आपका? अमन, उम्मे अमन। तो वोट डालने आई है जी? क्या सोच के डाला? सरकार अच्छी है और क्या, विकास? हाँ ये अच्छा, देखिए मुस्लिम महिलाओं की एक अच्छी बात है कि वो काम घर का सब करेंगी, लेकिन जब वोट की बात कुछ बताना होगा तो पति की तरफ जरूर देखेंगी। ये भी अपने पति की तरफ देख रही हैं कि शौहर बताएं क्या बोलना है हमको, है ना, अच्छी बात है। एक और महिला है यहाँ पे, ये भी खड़ी है। वोट डाली है चची? चची पहले हाथ में वोट डाला कि नहीं, बस ये बताइए। वोट डाली डालेंगी जी? एक और जा रही है, वोट डालेंगे आप? देखिए करती है चची, वोट डालने जा रही है। कितने बार वोट डाल चुकी है? अरे बहुत बार डाल चुके हैं, हर बार। क्या सोच के डालेंगे? विकास होना चाहिए, कैसी सरकार होना चाहिए? ऊपर वाला मालिक है, तो वोट तो आप डालेंगे, सरकार वो पता चल जाएगा ना बाद में। अच्छा ये देखिए पहला महिला और आ रही है, ये अच्छी बात है, लोगों को देखना चाहिए, जो वोट डालने नहीं निकल रहे उनको देख के डालना चाहिए, जो वोट डाले वोट डालेंगे आप। क्या नाम है? हसीन। क्या सोच के डाला है, कैसी सरकार? हमारा सरकार क्या, यही सब चल रहा है, वही चाहिए और क्या। कैसी सरकार, विकास वाली, किस तरह से, क्या चाहिए, क्या बताएं? नहीं नहीं, वोट किसको दिया, ये आपका अधिकार। और ये महिलाएं जा रही हैं पीछे वोट डालने के लिए, सब लोग घर का काम करके आई वोट डालने। देखिए घर के काम काज कर करके वोट डालने के लिए आ रही हैं, ये उस समय वो महिलाएं खड़ी हैं, चल रहे हैं हम के साथ में देखते हुए कि देखिए किस तरह उत्साह है लोगों में। एक तरीके से कानपुर GIC पोलिंग स्टेशन है और ये आदर्श पोलिंग स्टेशन है, और ऐसे में सारे लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे पर्चियाँ भर नहीं है, सब कुछ हो रहा है, और महिलाओं में अजीब तरह की जोश है। देखिए ये पोलिंग स्टेशन पहले उधर होता था, महिलाओं को कुछ परेशानियाँ भी हुई हैं, उधर से उनको यहाँ आना पड़ा है वोट डालने के लिए, लेकिन वोट डालने के प्रति वो अपने जागरूक हैं, होना भी चाहिए, हर आदमी को जागरूक होना चाहिए। मुद्दा कुछ भी हो किसी को वोट दीजिए, लेकिन क्या है, वोट डालें कि नहीं डालें, क्या सोच के डाला, विकास चाहती क्या। देखिए ये मुस्लिम खवातीनों की एक अजीब बात होती है कि वो शर्माती बहुत हैं, होना भी चाहिए, लेकिन अपने अधिकार को तो बताना चाहिए, वोट डाला है कि नहीं। नहीं डाला है, डाल दिया, अपने घर के सब लोग डलवा दिया। हाँ। क्या सोचे डाला, विकास चाहिए, किस तरह की सरकार, विकास चाहिए और क्या चाहिए, वोट
बताइए किसको दिया, इससे मतलब नहीं, लेकिन कैसा चाहती है, किस तरह की बता सकते। देखिए ये भी अजीब बात है मुस्लिम खवातीनों की, तो शुरू से मैं कवर करता आ रहा हूँ, अब तक ये कभी खुल के बोल नहीं पाई। हाँ लेकिन वोट डालने में जागरूक जरूर होती हैं, अपना अधिकार व्यक्त करने में जागरूक होती हैं, और सबसे पहले वोट डालना ही उनका मकसद होता है, ये अच्छी बात है। वो लोग भी निकले हैं जो अभी तक घरों से नहीं निकले हैं, वोट डालें जिसे अपना मनपसंद प्रत्याशी चुन चुके हैं, तभी वो कह सकते हैं कि हम अपने प्रत्याशी को चुन के लाए हैं तो प्रत्याशी हमारे शहर का विकास करें। रंजय सिंह, यूपी तक, कानपुर।